दोस्तों, अगर आप एक अच्छा हैंड सैनिटाइज़र बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक वाटर लेना पड़ेगा, एक खाली बोतल में पानी ले लें, और उसके बाद हम आपको सारा तरीका बताएंगे कैसे आप एक अच्छा हैंड सैनिटाइज़र बना सकते हैं और जिसको आप अपने पूरे घर को धो सकते हैं। सब मतलब कि आपका पूरा घर इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल होता है, और आप रूटीन वाइज इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपनी दुकान पर इस्तेमाल करना चाहते हैं या किसी मार्केट में, किसी कंपनी में या किसी भी जगह पे आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये वाला सैनिटाइज़र बना लें, जो आपको एक अच्छा रिज़ल्ट देने वाला है, और इससे 100% आपके जो जरासीम हैं वो पील्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और आपको एक अच्छा रिज़ल्ट देता है। इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें ताकि आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके और एक आप अच्छा एक हैंड सैनिटाइज़र बना सकें। दोस्तों, आपने इस तरह का डेटॉल ले लेना है, ये 50 ml का हमारे पास डेटॉल है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। आप अगर आपको डेटॉल कंपनी का मिल जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमने बहुत कोशिश की ढूंढने की मगर इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है ये हम आपको दिखाएंगे आगे, कि आपने इसको किस तरह बोतल में डालना है और किस तरह इसको बनाना है अपने पूरे घर के लिए, और कहीं भी आपने इस्तेमाल करना है तो इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये पानी की हमने बोतल ले ली है, जितना आपको बनाना है सारी बोतल में आप बना सकते हैं, आधी बनाना है आधा बना सकते हैं। ये बोतल ले ली हमने, अब इसके अंदर हम एक डेटॉल डालेंगे, सिर्फ एक ढक्कन आपने इसके अंदर डेटॉल डालना है। हम एक ढक्कन के हिसाब से इसके अंदर डेटॉल डालने वाले हैं, अब आप देखेंगे इसके अंदर एक ढक्कन के हिसाब से हमने डेटॉल डाल देना है, और इसको हमने डाल दिया है तकरीबन, आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि कम है थोड़ा सा। ये हमने डेटॉल इसके अंदर डाल लिया है और इसको अच्छे से अब मिक्स करेंगे, और इसके ऊपर हम शावर गन लगाएंगे जिससे हम इसको ईज़िली इस्तेमाल कर सकें। इसी में आप सिर्फ ये डेटॉल ही डालें और ज़्यादा कुछ डालने की आपको ज़रूरत नहीं, सिर्फ यही डालेंगे आपका काम बन जाएगा और आपको एक अच्छा हैंड सैनिटाइज़र मिल जाएगा। ये थोड़ा सा कम वाइट हुआ है, इसके अंदर हम थोड़ा सा और डालेंगे ताकि ये ज़्यादा वाइट हो सके और ये ज़्यादा अच्छे से रिज़ल्ट दे सके। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा और डाल दिया, इतना काफ़ी है। ये अब इसको मिक्स करेंगे और इसका रंग बिल्कुल वाइट हो जाएगा, ये हमारा एक अच्छे से हैंड सैनिटाइज़र बन जाएगा। पूरे घर को धोएं, पूरी दुकान को धोएं, पूरे शोरूम को धोएं, पूरी कंपनी को धोएं, इसको मर्ज़ी इस्तेमाल करें। ये हमारा प्योर ओरिजिनल 99% किल्स जरासीम से पाक हैंड सैनिटाइज़र बन चुका है। दोस्तों, ये हमारा हैंड सैनिटाइज़र मिक्स हम कर रहे हैं, इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और दिखाएंगे कि ये अच्छे से हमारा प्योर 99% किल्स हैंड सैनिटाइज़र बन चुका है। अब इसको आप जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपनी दुकान पर ही इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो जैसे कि हमने अपना एक अच्छा हैंड सैनिटाइज़र बना लिया है, होममेड हैंड सैनिटाइज़र, आप घर में खुद से बना सकते हैं, ज़्यादा आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती। आपको एक पानी की बोतल लेनी है, लीटर वाली या 1.5 लीटर वाली, उसमें आपको एक हाफ मतलब कि आपको डेटॉल उसके अंदर डालना होता है, उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो आपका ये जो सैनिटाइज़र है ये बन जाएगा, जिससे आप मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं। हम इसको इस्तेमाल करेंगे, अब देखेंगे, दोनों हाथों पर इस्तेमाल करेंगे, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें कोशिश करने वाली बात नहीं है, आराम से आप इसको इस्तेमाल करें। ये आपको 99% प्रोटेक्शन देता है जरासीम से, मारता है, किल्स करता है जरासीम को, और अच्छे से प्रोटेक्शन करता है। आप इसको लगाएंगे, ये फौरी सिर्फ 2 मिनट में ये आपके हाथों से बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ये देख सकते हैं, हमने ये इसको खुद से इसके ऊपर लिखा है, हैंड सैनिटाइज़र कोरोना वायरस प्रोटेक्शन किल 99%, 9% जर्म्स वगैरह, ये सब चीज़ें।